ओके बेटा, आज हम लोग जो है अपनी फिजिक्स की पहली यूनिट का डिस्कशन करेंगे। यूनिट फर्स्ट आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसको हम टॉपिक जीरो नाम दे रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा दो चैप्टर इंक्लूडेड होंगे। चैप्टर वन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर टू है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो डिस्कस करें बेटा कि इसका वेटेज ऑफ मार्क्स बोर्ड में कितना है। ये है बेटा 9 मार्क्स, मीन्स बोर्ड में इस यूनिट से आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन के डिस्कस करें कि आखिर इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा इस यूनिट से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसको आप MCQ बोलते हो। 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा MCQ चैप्टर 1 से, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, और 1 MCQ आएगा चैप्टर 2 से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। इस तरीके से 2 MCQ हो गए। अब दूसरा एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा बेटा 2 मार्क्स का, ये चैप्टर 2 से आएगा, और एक लॉन्ग आंसर आएगा वो 1 क्वेश्चन आएगा, उसके 5 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे? वो 5 मार्क्स का होगा। ये दोनों चैप्टर को कंबाइंड करके आएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों से कंबाइंड आएगा। अब थोड़ा डिस्कस कर ले, बुक्स कौन कंसल्ट कर ली हैं। NCERT Part 1 Part 2 आपको इसको थ्रूअली स्टडी करनी है। NCERT एग्जाम्पलर बेटा, इसके हम लोगों को सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन बैंक टाइप की है। रेफरेंसन में बेटा हम लोगों को SL अरोरा स्कूल खुलने पर कंसल्ट करनी है, और 5 AS का अनसॉल्व पेपर। ये रहा हमारा टॉपिक जीरो की स्टडी। अब हम लोग टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारा NCERT की Part 1 में मेन रोल चार्ज का है। चार्ज को हम कैपिटल Q से या स्मॉल Q से डिनोट करते हैं। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल इज कॉल्ड चार्ज, मीन्स चार्ज जो है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से 2 वर्ड आए हैं बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी और एलिमेंट्री प्रॉपर्टी पार्टिकल। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा इनबिल्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम किसी पार्टिकल से दूर ना कर सकें। इसको इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और एलिमेंट्री पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। लेकिन सम एलिमेंट्री पार्टिकल इसलिए मैंने बोला है बेटा क्योंकि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो ये रही चार्ज की डिफिनेशन, कि चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि चार्ज की वजह से कौन कौन सी बेसिक फिनामिना एसोसिएटेड हैं। बेसिक फिनामिना ड्यू टू चार्ज, बेटा चार्ज की वजह से 3 फिनामिना एसोसिएटेड हैं। पहला, जब चार्ज रेस्ट में होता है बेटा तो उसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जब चार्ज मोशन में होता है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसकी स्टडी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। जब चार्ज बेटा एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW के रूप में रेडिएट कर देता है बेटा। अब हम आगे बात करते हैं, जब भी कोई चार्ज बेटा रेस्ट में होता है, मीन्स उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। और इस केस में ये चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों ओर, मैग्नेटिक फील्ड इसका जीरो होता है। ऐसा चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, F=QE। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और जो फील्ड प्रोड्यूज होती है बेटा, उसका टाइम के साथ वेरिएशन नहीं होता, वो कांस्टेंट फील्ड होती है, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, DE/dt जीरो हो जाएगा। ऐसी फील्ड को बेटा जो टाइम के साथ चेंज ना करे, टाइम के साथ वेरी ना करे, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे बेटा डिटेल में। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग डिफाइन कर दें। डिफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लाइक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल etc ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट।
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम कोई भी चार्ज रेस्ट में हो तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फोर्स है, फील्ड है, पोटेंशियल है, उसकी स्टडी करें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, टू वर्ड्स से, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, तो इस तरीके से बेसिक मीनिंग हो गई चार्ज एट रेस्ट हो। ओके, ये बेटा टॉपिक टू रहा आपका, हो गया।